हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। आवाज आ रही है गुड सबकी? इवनिंग इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग मैम। कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। अच्छे गुड से इवनिंग मैम। अच्छे सब अच्छा है? कैमरा ऑन करो, मेरे को किसी की भी शक्ल नहीं दिख रही है। फटाफट सब लोग ऑन करो। हाँ, वेरी गुड अशोक। सबसे पहले अशोक ने किया, महेंद्र कुमार, बलबीर सिंह, बाकी सब भी। कोई बात नहीं, बैठ के ऑन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब बहुत सुंदर लग रहे हो। बोलो अनमोल, रेडी है फिर? इसमें यस मैम, स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम लक्षिता है, लक्षिता सांगवी। मैं हरियाणा से। ओके, आप सब लोग हिमाचल से ही है, तो मैं हरियाणा में ही पढ़ी हूँ। मैंने एमएससी किया फिजिक्स में। अब यू कर सकते हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैंने किसी को भी नहीं सुना। कैमरा ऑफ मत करो, म्यूट कर लो। हो गया? वॉइस आ रही है ना मेरी? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग यस मैम। हेलो, मैं अपना नेट कर लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन बोला गुड मॉर्निंग? गुड इवनिंग मैम। नहीं, मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सो वेलकम एवरीवन। आज हमारा फर्स्ट, अच्छा कौन सी क्लास का सर? मैं चेक कर रही थी, सो तो नहीं रहे हो सब लोग? नहीं हो ना? ठीक है, तो पहले तो सब अपने लिए क्लैप कर लो, सबके सब, कि आप लोग अवंती में सेलेक्ट हुए हो, तो इसका मतलब आप लोग टैलेंटेड तो बहुत हो, है ना? सब लोग टैलेंटेड है, क्लैप कर लो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अगर आप इतने टैलेंटेड अवंती में आ गए, तो जेई और नीट तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, फटाफट घुस जाओगे। किसी को पता है जेई नीट क्या है? यस मैम। क्या होता है जेई और नीट? मैम मेडिकल के लिए। मेडिकल। करेक्ट। हमारे पास दो मेन एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अलग अलग जगह एडमिशन के लिए। जेई से हम इंजीनियरिंग में जाते हैं और नीट से हम मेडिकल में जाते हैं। मेडिकल से क्या बनते हैं? इंजीनियर है, डॉक्टर? डॉक्टर। डॉक्टर। डॉक्टर बनने के लिए हमारे पास नीट है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा प्रिपेयर करेंगे। वैसे तो आप बहुत स्मार्ट हो, अच्छे से करोगे, मेरे को पता है। अब हमारा मेन एम क्या है? अभी आप लोग 10th क्लास में हो। अब सिर्फ 10th का तो आपको स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, हम सिर्फ 10th नहीं करेंगे, हम साथ में आपको थोड़ा थोड़ा 11th और 12th का भी लेके चलेंगे, ताकि जब आप हायर स्टडीज के लिए जाओगे, एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाओगे, तो आपको पूरा बेस बन जाएगा। क्लियर है सबको? अब पहले ओरिएंटेशन बहुत बोरिंग हो रहा है ना, मेरे को भी बहुत बोरिंग लगता था जब मैं स्कूल में थी, कि क्यों आ गए, है ना, पकाने के लिए हमें। तो हम लोग पहले गेम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम थोड़ी सी बोरिंग बातें करेंगे, है ना, पढ़ाई। तो हंटिंग क्या होता है? हंटिंग शिकार करना, शिकार करना, है ना। शिकार करना नहीं करना है हमें, क्या करना है, कोई चीज ढूंढ के लाना है। तो उसके लिए सबसे पहले सबका कैमरा ऑन होना चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक कैमरा ऑन नहीं किया, प्लीज कैमरा ऑन कर दो। हाँ जी, वेरी गुड। बाकी लोग भी करते जाओ प्लीज। अब जैसे अगर सबका कैमरा ऑन हो गया है, काफी बच्चे हैं वैसे जिन लोग का,
ऑन जो अच्छा हम गेम खेल रहे हैं तो जिनका कैमरा ऑन नहीं है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ये रूल है गेम का, सबको ये रूल ओके। तो हमारे पास मैं क्या करूंगी, आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी और आपको समझना है वो ऑब्जेक्ट क्या है और सबके घर में वो ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो उन ऑब्जेक्ट को ढूंढ के लाना और कैमरा में दिखाना है कि मेरे पास मैम ये चीज मिल गई है मेरे को, जिसने सबसे पहले सारी चीजें ढूंढ ली वो विनर हो जाएगा। गेम क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीज ढूंढो कि क्या है और जिसको मिल जाए वो कैमरे में शो कर दो। पेंसिल। वेरी गुड। हमारे पास दिव्यांश के पास, संजय के पास है, मोहित के पास है, कुछ ही है। ठीक है तो हमारे पास अभी पहले आया है, वॉल्यूम कम आ रही है मेरी? नो मैम ठीक है। ठीक है मैम ठीक है। तो दिव्यांश और संजय सबसे पहले चल रहे हैं, है ना? ओके अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे चलते हैं, सब लोग रेडी रहना। ये क्या है वेरी गुड। अनमोल भी आ गया है, स्क्रीन ही दिखाई दे रही है, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये हो गया सबका? बोला मैं यस मैम। सिर्फ संजय और सचम का ही दिख रहा है। अब ये क्या है? अनमोल और संजय सबसे पहले ढूंढ के लाए थे और कौन लेकर आएगा देखते हैं। बस दो ही लोगों के पास है, लेके आ जाए, लेके आ, फटाफट लेकर आओ। हेलो मैम मिल गया? मिल गया, मेरे को दिख तो नहीं रहा, मैं जानसु के पास ही मिल गया। मिल गया, मिल गया। हेलो लेके आओ मैडम। नहीं हम नहीं ना खाते, मम्मा का शुगर है। अच्छा आलू में शुगर है, ठीक है। तो इस राउंड के विनर कौन कौन है? हमारे पास सबसे पहले किसका नाम आया? संजय का नाम आया, अनमोल भी लेकर आया, दिव्यांशु भी लेकर आया, सक्षम भी लेकर आया, और कोई लेकर आया? कौन सबका नाम लिखते हैं, दिव्यांशु विनर है, संजय विनर है हमारे पास, मेरा नाम संजय नहीं है, अंकिता। हाँ अंकिता, मेरे को लग ही रहा था। एक सेकेंड, तो अंकिता भी लेकर आई है हमारे पास मैम। अनमोल, अनमोल भी लेकर आया है, करेक्ट। फिर हमारे निर्मला, निर्मला भी विनर है, ओके। मैम सौरव, कितने सारे बच्चे विनर के बोल रहे हैं। सौरव, आयुषी, विकास, मैम साक्षी, मैम नाम, मैम नंसी,
मैम कार्तिक मैम पलक मैम अंशुल पूरी क्लास का नाम लिख दूं मैं विनर में यस मैम सब लोग विनर में सब लोग अपने लिए क्लैपिंग कर लो प्लीज मैम क्लैपिंग भी हेल्प कर देते हैं रेस ऐसी वाली क्लैपिंग नहीं बोल रही थी मैं दिखने चाहिए आप लोग कहाँ हो चलो सब लोग के लिए मैं क्लैपिंग करती हूँ वेरी गुड अच्छा अब ये फोटो हमारे पास फैमिली की है ना फैमिली क्या होता है परिवार आपके लिए लास्ट काम क्या है आपकी फैमिली में कोई भी है आपके भाई है आपकी बहन है आपके पेरेंट्स है आपके ग्रैंड पेरेंट्स है कोई भी है कोई भी रिलेटिव है जो आपके साथ अभी बैठ सकते हैं रीजन ने बुला लो वेरी गुड क्योंकि सर आप लोगों का ओरिएंटेशन या आपके पेरेंट्स का भी ओरिएंटेशन होना जरूरी है ताकि उन्हें भी पता चले कि उनका बच्चा कैसे पढ़ने वाला है ना सबको पता चल रहा है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं तो अवंती बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो किसने स्टार्ट करी थी अक्षय सर ने स्टार्ट करी आईआईटी एलुमनाई मतलब आईआईटी से पढ़े हुए हैं तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं आईआईटी से पढ़ा हुआ हूँ तो ये फैसिलिटी और भी काफी लोगों को पहुंचाई जाए आप सब लोग रिसर्च करके आए हुए हो पूरी है ना तो हमारे पास अवंती अभी इंडिया के 21 स्टेट्स में है और 5 यूनियन टेरिटरीज में आप देख सकते हो कितनी सारी स्टेट्स में हम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और बाकी स्टेट्स में ग्रो करने का सोच ताकि हम जिन भी बच्चों को हेल्प की जरूरत है जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं उनको सपोर्ट मिल सके हमारे पास अभी काफी सारे स्टूडेंट्स अभी तक एनरोल हो चुके हैं जैसे अगर मैं बात करूं एक्चुअल नंबर 30,000 स्टूडेंट्स अभी तक पढ़ चुके हैं जिसमें से आप खुद देखो 5,000 के अराउंड लोग ने जेई क्लियर कराए 2,000 स्टूडेंट्स के अलाउंड के अराउंड बच्चों ने डॉक्टर बन गए तो आप सब में से कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं गुड इवनिंग डॉक्टर अपनी कुर्सी की पेड़ी बांधो और तैयार हो जाओ ठीक है अभी आप लोग टेंथ में हो अब आपके पास अभी आपको साइंस अच्छी लग रही होगी नहीं अच्छी लग रही होगी मे बी टेंथ के बाद आपका प्लान चेंज हो जाए तो यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस में यहाँ शो कर रही हूँ कि अगर आपके पास साइंस है जिसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो नेवी में जा सकते हो पायलट में डिफेंस अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायो है तो आप डॉक्टर या फिर मेडिकल लाइन में पर अगर आप साइंस ऑप्टेन करते हो तो आप या तो कॉमर्स की लाइन में जाओगे या फिर अदरवाइज आप आर्ट्स की में जाओगे जब साइंस लेने का फायदा क्या होता है तो आप यहाँ पे देखो साइंस वाले लोग अपना भी कर सकते हैं और कॉमर्स वालों का भी कर सकते हैं आर्ट्स वालों का भी कर सकते हैं पर ये फैसिलिटी ना कॉमर्स और आर्ट्स वालों के पास नहीं होती है हम लोग कुछ भी कर सकते हैं हम अगर साइंस में घुस गए तो हमारा मन करेगा तो हम लॉयर बन जाएंगे हमारा मन करेगा तो हम डॉक्टर बन जाएंगे क्लियर है सबको यस मैम यस मैम अब हम यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं तो फाउंडेशन से आपका क्या मतलब है कोई एक्सप्लेन कर सकता है फाउंडेशन मैम सिलेबस फाउंडेशन सिलेबस मैं कह रही हूँ सिलेबस तो होगा ही होगा हर जगह सिलेबस होता है पर फाउंडेशन का क्या मतलब है बेस आधार देखो आप स्कूल में भी जाते हो आपको पढ़ाया वहां पर भी जाते ऐसी बात नहीं कि वहां नहीं पढ़ाया जाता है अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है फाउंडेशन कोर्स का क्या मतलब है यहाँ पे हम आपका ऐसा बेस बनाएंगे ताकि आप जेई और नीट के लिए पूरे तैयार हो जाओ
हम ऐसे सिर्फ तैयार नहीं करेंगे कि आप सिर्फ बोर्ड्स क्लियर कर पाओ, उसके साथ साथ जेई नीट या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है आप उसके लिए रेडी हो जाओगे। तो उसके लिए बेस आधार बनाएंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज ये टेंशन होती है कि हम लोग कोचिंग का कर रहे हैं तो स्कूल का तो पीछे नहीं छूट जाएगा? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हमारा मेन एम है कि हम बोर्ड का सिलेबस करवाएं। बोर्ड्स में हम आप टेंथ में हो तो हम ऐसे कोशिश करेंगे कि आप क्या करो प्लस वन लेवल तक का कर सको। फिर हम लोग एनालिटिकल अप्रोच, मतलब साइंस और मैथ को एक रट्टे के तरीके से नहीं देखना है, हम उसमें एनालिटिक अप्रोच लगाएंगे कि मतलब अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी दे दें तो हमें अपना दिमाग कैसे चलाना है। फिर एनहांसिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक लॉजिक्स, कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि ठीक है हमारी बुक्स में लिखा हुआ था उसके पीछे की साइंस क्या है, उसको समझना है। आईक्यू पता है क्या होता है सबको? यस मैम। यस मैम। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका आईक्यू, वैसे सब लोग बहुत स्मार्ट हो, सबका आईक्यू बहुत हाई है, थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया जाए ताकि आप क्या कर पाओ अपनी जो नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, जैसे अगर हमारे पास, आपको पता है एक रिवर के ऊपर पुल बना है, किसी का तो दिमाग चलाना कि उसने सोचा कि पुल कैसे बनेगा, उसने अपनी नॉलेज को एक्चुअल में काम में लगा। तो हमारा काम क्या है कि हम आपको ऐसे पढ़ाएं कि आप जो समझ रहे हो वो सिर्फ इतना नहीं समझो कि पेपर में लिख के आ सको, अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है सॉल्यूशन निकाल सको। गुड मॉर्निंग नरेश। अब हमारे पास फिर नेक्स्ट है कि अप्रोच टू अटेम्प्ट अ कॉम्पिटिटिव लेवल पेपर। अब हमारे पास मान लो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दूं जिसमें 50 क्वेश्चंस हैं, आप सोचोगे कि मैं पूरे दिन में तो आराम से कर दूंगा, पर मैं अभी कह रही हूँ कि आपको पूरे दिन में नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 घंटे में करना है। तो उसकी तैयारी कैसे करनी है वो भी हम समझेंगे। गुड इवनिंग। यस मैम। गुड इवनिंग। यस मैम। यस मैम। अगर आप 11th और 12th में साइंस ले रहे हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये हमने साइंस से रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पे चूज करे हैं। जैसे अगर आपको डॉक्टरी की लाइन में जाना है तो आप इतने सारे अलग कोर्स कर सकते हो। अगर आपको साइंटिस्ट पढ़ना है, साइंटिस्ट मतलब बहुत ज्यादा हाई स्टडीज करनी है उस सब्जेक्ट को और ज्यादा डीपली समझना है, या आपको एनडीए में जाना है, एनडीए में भी आप लोग को नहीं पता होगा पर डायरेक्ट एंट्री है जे के थ्रू। अगर आपका जे क्लियर हो जाता है तो आपके एनडीए में डायरेक्ट एंट्री होती है, बस आपको एसएसपी करना होता है। ठीक है। फिर हमारे पास अगर हमें नर्स का कोर्स करना है उसके लिए भी, या फिर बीएससी करनी है किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री, या हमें फिजियोथेरेपी में जाना है, तो आप ये सारे कोर्सेस तभी कर सकते हो अगर आपके पास साइंस है। क्लियर है सबको? यस मैम। फिर से बहुत बोरिंग हो गया होगा तो कुछ पजल्स रिडल्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो अच्छा हैंड रेस करके बताना है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, आई हैव रोड्स रिवर्स एंड माउंटेन्स बट देर आर नो कार्स ऑन द रोड, नो वाटर इन द रिवर एंड नो स्नो इन माई माउंटेन, हु एम आई? कोई कार नहीं होती, कोई बॉर्डर नहीं होता, कोई स्नो नहीं होता। चल सेकेंड पे चलते हैं। आई एम अ बैंड बट आई नेवर रबर बैंड। कॉल गेट ये तो हुआ।
रेडी है सब लोग आगे अब थोड़ा सा और पढ़ने के लिए? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। हाउ विल यू हेल्प मी? अब हम समझते हैं कि आप हमारी मदद कैसे करेंगे। अब हमारे पास देखो, हम आपकी मदद करेंगे पढ़ाकर, पर आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लिए। सबसे पहले काम क्या है, हमने आपके तो आपका मेन गोल क्या है कि आप क्लास में टाइम पर आओ। आधी प्रॉब्लम तो उसी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप क्लास में टाइम पे आ रहे हो, रोज समझ रहे हो, तो आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। दूसरी हमारा इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको टेस्ट के लिए आपकी जब कोई तैयारी ना हो, मान लो आप किसी शादी में गए हुए थे, मान लो दोस्त के बर्थडे में गए हुए थे, या मान लो पूरा टाइम आप फुटबॉल या क्रिकेट जो भी खेले उसमें टाइम चल गया, संडे को टेस्ट है, तो ये मत सोचना कि मेरे मार्क्स अगर कम आए तो क्या होगा, मैं फेल हो गया तो क्या हो गया। बोर्ड के एग्जाम नहीं है, इस नॉर्मल टेस्ट है जो हम ये देख रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और अच्छे से वर्क करेंगे। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि टेस्ट जरूर दे। क्लियर है सबको? यस मैम, यस मैम, क्लास में समझ आ जाता है। हमने जब पूरे हफ्ते वैसे ना रिवाइज करो पर क्लास में समझ आ रखा था तो टेस्ट भी हो जाता है। तो हो सकता है आपका माइंड इतना शार्प हो आपको कुछ रिवाइज भी करने की जरूरत है, तो प्लीज सब लोग टेस्ट दे। पर यहाँ पे जैसे आप अभी पार्टिसिपेट कर रहे हो सब लोग क्विज में, मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि जब मैं क्लास में क्वेश्चंस पूछूंगी तब भी सब लोग ऐसे खुशी खुशी अच्छे से आंसर देंगे। देंगे सब लोग? यस मैम, यस मैम। सर जब भी हम होमवर्क देंगे प्लीज, एक्सक्यूज मी, हम लोग अगर मान लो मैंने आपको आज होमवर्क दिया है, मैं बोल रही हूँ कल तक करके लाना, तो अगर आप करके लाओगे तो आपका फायदा क्या है, आपको अगर डाउट है तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हो सकता है। मैंने अगर आज होमवर्क दिया आप एक हफ्ते बाद बोल रहे हो तो वो टॉपिक देखो कितना पुराना हो गया, उसको समझने में भी प्रॉब्लम होगी। ये समझ आ रहा है सबको? टाइम के साथ सबको अपनी डाउट्स बता देंगे। और लास्ट है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीटिंग में ही बात हो सकती है, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमेशा कनेक्टेड रहो। अब व्हाट्सएप कर दो, आपको टीचर्स के सबके नंबर मिल जाएंगे कि मैम इस क्वेश्चन में डाउट है, ये टॉपिक नहीं समझ आया, आपको अच्छे से ठीक है। मैम, क्लास में, यस मैम, यस मैम, यस मैम, हाउ विल वी हेल्प? हम लोग, हम एज अ टीचर आपकी कैसे मदद करेंगे? कोई कुछ बोल रहा है? तो पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास टीचर्स कौन कौन है। सबसे पहले यहाँ पे मैं कौन से वाली हूँ? मैं फर्स्ट लेवल वाली हूँ। फिर हमारे पास है हेलेन मैम, वो आपको बायो और केमिस्ट्री पढ़ाएंगी। फिर सत्येंद्र सर है हमारे पास, वो आपको फिजिक्स की क्लास करेंगे। फिर हमारे पास भूपेंद्र सर मैथ्स पढ़ाते हैं, पुरोजित सर भी मैथ्स पढ़ाएंगे। क्लियर है सब? यस मैम, अब अगले जितना भी आपका कोर्स है 10th क्लास का, तब तक आपको इन पांच लोगों को ध्यान से सुनना है, सबकी बात माननी है, ठीक है? तब फुल मार्क्स आएंगे आपके। यस मैम, तभी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ प्रॉमिस करना चाहती हूँ। पहला प्रॉमिस ये है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, ठीक है? आपके लिए रहूंगी। आप कोई भी जरूरत है कि मैम डाउट है, मैम क्वेश्चन है, हाँ तो हम, मैं और बाकी सब टीचर्स आपकी हमेशा हेल्प करेंगे, आई प्रॉमिस दैट। फिर मेरे पास सेकेंड प्रॉमिस क्या है कि मैं आपकी क्लास हमेशा टाइम पे ज्वाइन करूंगी, चाहे कभी भी हो। ऐसा अगर सोचो टीचर लेट आ रही है तो बच्चे तो लेजी हो ही जाएंगे, इसलिए मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं टाइम पे आऊँ हमेशा। फिर मैं हमेशा क्लास में आऊंगी रोज, कभी कभी हो सकता है बीमार हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, पर मैं जब भी क्लास में आऊंगी मैं अच्छे से पढ़ाने के लिए आऊंगी आप सब लोगों को। सब लोग बस ध्यान से सुन लेना, सुनोगे? यस मैम, यस मैम, यस मैम। फिर अच्छा, मालगाड़ी सुनी है सबने? यस मैम, यस मैम, यस मैम, स्पीड से चलती हूँ। यस मैम, यस मैम। कैसी स्पीड से चलती है? धीरे धीरे।
धीरे धीरे करें, तो मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगी आपको मालगाड़ी की तरह, मैं बुलेट ट्रेन की तरह सिलेबस नहीं बताऊंगी, तो ताकि आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपके जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं मैं उनके लिए आपको आंसर करूंगी, आपको हेल्प करूंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप एग्जाम से अच्छे मार्क्स आ सके। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूंगी आपको कौन सी लाइन क्या करियर चूज करना चाहिए, और आप अगर चूज कर ले हो या खुद से चूज कर लिया तो मैं आपकी आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगी आप वहां तक पहुंच पाओ सीढ़ी की तरफ। तो ये सब प्रॉमिस आपसे करती हूँ। अब हम लोग यहाँ पे क्या क्या करवाते हैं, रेगुलर लाइव क्लासेस होंगी आपकी, कॉन्टिन्यूसली क्लासेस होंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आज हो रही है फिर मैं कह रही हूँ नहीं अगली क्लास एक हफ्ते के बाद हो रही है, नहीं, रेगुलर क्लासेस होंगी आपकी, वो रोज होमवर्क या प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे। फिर हमारे पास, मेरा स्क्रीन नहीं विजिबल हो रहा है क्या? नो मैम, नो मैम, प्रेजेंट मैम, किसी बीच में स्क्रीन शेयर कर दिया था, प्लीज ऐसा मत करो। यस मैम, तो आप लोगों की रेगुलर लाइव क्लासेस होंगी, आपको रोज प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दी जाएंगी। अब विजिबल है ना सबको? आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे कि अगर हमें लगेगा हाँ ठीक है बच्चों को बहुत सारे डाउट आ रहे हैं तो हमें क्लासेस कुछ क्लासेस रख दिया करेंगे कि आज की क्लास में डाउट, तो भरपूर के जितने भी आपको डाउट हो, 100 हो, 150 हो, 50 हो, 5 हो, उन सबको डाउट्स लिए जाए। फिर हमारे पास प्रॉपर कोर्स प्लानर है, इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ाएंगे, प्रॉपर जैसे पैटर्न में चलता है कि पहले एबीसीडी पढ़ाते हैं फिर सेंटेंसेस बनाते हैं, ऐसे हम लोग प्रॉपर कोर्स प्लानर के थ्रू पढ़ाएंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। 100% अटेंड करना है, वो है वीकली टेस्ट। प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो कोई मिस ना करना, ज्यादा लंबे नहीं होंगे मार्क्स, चाहे कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब हमारा ये जो प्रोग्राम है क्लास टेंथ का, वो 6 मंथ के लिए है, आपकी हफ्ते में 6 क्लास होगी, तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, संडे को तो क्लास होगी नहीं, तो आपकी टोटल 6 डेज में 6 क्लास है, तो हर रोज आपकी एक ही क्लास होगी और हर क्लास 1 घंटे की होगी, तो टोटल आपको हफ्ते में देखो सिर्फ 6 घंटे पढ़ना है, दिन में 1 घंटा तो दे सकते हो ना ध्यान से। यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके, अब हम लोग आपको जेई और नीट के लिए तैयार करवा रहे हैं, तो हम साइंस में हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब अलग अलग पढ़ाएंगे, और सबके टीचर्स भी इसीलिए अलग अलग है ताकि आपको अभी से क्लियर हो जाए कि आपको आगे करना क्या है। तो अगर हम देखें तो टोटल 6 क्लासेस हैं, उसमें से 3 साइंस की हैं और 3 मैथ्स की है। साइंस के 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो एक फिजिक्स की होगी रोज, सॉरी एक फिजिक्स की होगी एक वीक में, एक केमिस्ट्री की, एक बायो की और 3 मैथ्स की होगी। क्लियर है सबको ये? ऑलमोस्ट एवरी संडे आपका टेस्ट होगा, और ये क्योंकि आपका कोर्स 6 मंथ्स का है तो ऑलमोस्ट हम जब तक आपका कोर्स पूरा नहीं हो जाता टोटल अराउंड 24 के अराउंड टेस्ट हो जाएंगे, बस उन्हें अच्छे से अटेंड करना। क्लियर है? ना डरने की जरूरत नहीं, आराम से करेंगे कोर्स, आपको सबको समझ आएगा, कहीं की डाउट होगी तो हम हमेशा आपके लिए रेडी है। यस मैम, यस मैम, मैम। और टाइम टेबल देखे हम लोग कैसे कोर्स को शुरू करें। यस मैम, यस मैम, यस।
तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे बायो का सिलेबस है। बायो में हम आपके कौन कौन से चैप्टर्स, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही मिल जाएगा टॉपिक। एनसीईआरटी से आप कंपेयर भी कर सकते हो, जो आपकी बुक्स हैं, जो भी बुक्स लग रही हैं स्कूल में, कोई एक्स्ट्रा बुक आपके पास। हम बायो में लाइफ प्रोसेस, हाउ टू ऑर्गेनाइज दे रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोई कुछ बोल रहा है मैम, दिखाई नहीं दे रहे मैम, ब्लर दिखाई दे रहा है, बायो में हम लाइफ पढ़े, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आर एनवायरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो तो छोटा सा चैप्टर। फिर हम केमिस्ट्री में भी हम कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मैथ्स में नंबर सिस्टम, पॉलीनोमियल, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मैम स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम, किसी को भी विजिबल नहीं, मैं हो रही है। फिर हम लोग प्रोग्रेशंस, मतलब कि अगर हम पैटर्न, पैटर्न पता है सबको क्या होता है, इस तरीके से चीजें बदलती है ना, तो उसके बाद में लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। ट्रायंगल प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे, पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती है मैम, 4, 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 4
फिर हम लोग लोकस के बारे में पढ़ गए, इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइंस, मेंसुरेशन, पार्शियल फ्रैक्शन, लॉगरिथम्स और बाइनोमियल थ्योरम और मैट्रिसेस। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पर अभी वो नाम इतने बड़े बड़े लग रहे हैं, पर है बहुत ईजी, थोड़ा सा ध्यान देना समझ जाएंगे। फिजिक्स में हम लोग लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन माइंड जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो भी फिनोमेनास होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, उसका क्या क्या इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन सी टर्म्स आती है, बहुत सारी नई टर्म्स पढ़ लिया। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेट क्या होता है, स्क्रीन विजिबल हो रहा है, एक बार आप फिर से ट्राई करो, लीव करके ज्वाइन करो। यस मैम, मैम यूम करने पर विजिबल हो जाएगा। हाँ, फिर हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अलग अलग सोर्सेज। तो ये सारे टॉपिक्स आपके 10 के हैं और हम इन सबको डिस्कस करेंगे। क्लियर है सबको? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। कंपेयर करोगे कैसे कोई टॉपिक नहीं होगा जो मिस हुआ होगा, उसका कुछ एक्स्ट्रा ही टॉपिक्स हम लेंगे ताकि आपका बेस बन जाए 11th और 12th के। ओके मैम, ओके मैम, यस मैम, तो आप लोगों का आपकी क्लास 10th है, तो आप देखो फिजिक्स की आपकी, और मैं ये वाला दिखा पहले, आप लोग या B02 तो बैच के हिसाब से आपके पास यहाँ पे क्लासेस है। अगर आप B01 में हो तो आपके दो टाइम क्लासेस होंगे, या तो 6 से 7 या फिर 7:15 से 8:15, मतलब 7:15 से 8:15। और अगर आप B02 में हो तो आपकी क्लास होगी या तो
7:15 से 8:15 या फिर 8:30 से 9:30। अब आप ध्यान से मैम आपकी आवाज नहीं यस मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम एक बार फिर से बताओगे आपका नेटवर्क का इशू है आपके नेट का इशू है वो मैम के नेट का इशू अब आवाज आ रही है मैम एक बार रिस्टार्ट बता दो हाँ मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ तो एक बार सब लोग म्यूट कर लो ये टाइम टेबल समझ लेते हैं ठीक है इसमें कोई अभी डिस्कस नहीं करना है तो हमारे पास दो बैचेस होंगे या तो आप B01 में होंगे या B02 में होंगे अगर आप B01 में हो तो आपकी क्लास दो ही टाइम होगी या तो 6 to 7 वाले में होगी या फिर 7:15 से 8:15 अगर आप B02 बैच में हो तो आपकी क्लास का टाइम होगा या तो 7:15 से 8:15 या फिर 8:30 से 9:30 और अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी रोज सिर्फ एक ही क्लास है जैसे B01 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दें कि मंडे को सिर्फ केमिस्ट्री ट्यूसडे को सिर्फ मैथ्स वेडनेसडे को सिर्फ फिजिक्स थर्सडे को सिर्फ मैथ्स फ्राइडे को बायो और सैटरडे को मैथ्स तो अगर हम काउंट करें तो देखो मैथ्स के वीक में 3 क्लास है ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे पर साइंस की बात करें तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वो भी 3 क्लास ऐसे B02 में हमारी मंडे को मैथ्स होगी ट्यूजडे को केमिस्ट्री वेडनेसडे को फिर से मैथ्स थर्सडे को फिजिक्स फ्राइडे को मैथ्स और सैटरडे को बायो तो इसमें भी मैथ्स की क्लास है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और TTS मतलब ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे में आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाली क्लास है क्लियर है सबको जिसमें बैच में हो व्हाट्सएप ग्रुप में हो आपके पास टाइम टेबल आ जाएगा और लिंक्स आते रहेंगे ठीक है तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हो क्लियर है सबको अरे मैम को बोलने दो बार बार यस की बोल रहे हो बात नहीं ओके किसी को टाइम टेबल में डाउट है तो वो बताओ एक बार व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम कोचिंग क्लास अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं That you will help to achieve our goal. And that you will help us to achieve our goal. हम तो कुछ सीखेंगे. ठीक है. नहीं नहीं आप बता दो help to achieve goal. अगर मेरे को ये नहीं पता होगा कि आप लोग मुझसे क्या चाहते हो तो मैं कुछ नहीं करूँगी. हाँ जी. और मैम clear all the doubts. Clear all the doubts. Very good. बिल्कुल. मैम नॉलेज हाँ जी नॉलेज मैम वी कैन गेन मोर नॉलेज फ्रॉम अवंती कोचिंग मैम टू नो अबाउट फ्यूचर करियर ऑप्शंस प्रिपेयर अस फॉर नेक्स्ट क्लास हाँ जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है prepare for next class आप लोगों को कुछ ना कुछ टॉपिक दे दिया जाएगा कि उसका जैसे मैं आपको बोलूं कि नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ के आना रिफ्लेक्शन क्या होता है तो उस एक वर्ड को अगर मैं दे रही हूँ तो प्लीज बस उसके बारे में पढ़ के आना है ताकि उससे रिलेटेड अगर मैं कुछ भी बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ जाए इतना तो होमवर्क कर सकते हो ना गुड गाइडेंस करें और कोई सजेशन देना चाहते हैं मैम क्लियर ऑल द टॉपिक्स हम पूरी कोशिश करेंगे अच्छा एक ये चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ एज अ स्टूडेंट कोई भी टीचर है चाहे मैं हूँ या कोई और अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रही हूँ या आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा स्लो ले रही हूँ कि मैम तो पका रही है बहुत धीरे पढ़ा रही है ये कोई पढ़ाने की चीज नहीं है ABCD हमें पता है तो बोलो
कि मैम थोड़ा सा स्लो कर लो या थोड़ा सा फास्ट कर लो, जो भी आपको लगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी एक टॉपिक में मैम ने थोड़ा ढंग से नहीं पढ़ाया, तो आप, अगर आपको क्लास में शाय हो रहा है कि मेरे को क्लास में नहीं बोलना है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। चैट बॉक्स में भी नहीं बोलना है तो आपके पास सब टीचर्स के नंबर होंगे, आप टीचर्स को पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि मैम ये टॉपिक ना ढंग से क्लियर नहीं हुआ क्लास में, आप फिर से करवा दो, तो हम फिर से आपको, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ आया है तो बाकी स्टूडेंट्स भी तो आपके जैसे ही है, हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो। तो प्लीज जो भी अगर किसी टॉपिक में डाउट है या पढ़ाने का तरीका नहीं समझ आ रहा है या कोई भी चेंज चाहते हो तो प्लीज बताओ, अगर नहीं बताओगे तो आपका ही लॉस है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। जितना फीडबैक दोगे हम आप लोग का उतना फायदा है कि हम कैसे इम्प्रूव, आपको समझ आए। हमें तो आता है, हमारा काम है आपको समझ आए। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब जो बच्चे रेगुलर आएंगे उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलता है, ठीक है? जैसे अगर आप रोज किसी से बिस्किट लेकर जाते हो तो एक दिन अगर आप पैसे नहीं लेकर आए हो तो वो अंकल क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा ले जाओ बाद में पैसे दे देना, बोल देते हैं। Yes, रेगुलर आ रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस, अब मेरे को ये पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पल्लवी ले रही मैं कोई भी रैंड में, ठीक है? तो अगर पल्लवी मेरे को लग रहा है भाई ये स्टूडेंट रोज आती है क्लास में, अच्छे से रिस्पॉन्स करती है, और वो फिर मेरे को कह रही है कि मैम मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, क्या आप क्लास के बाद ये समझा सकते हो, या ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है मेरे स्कूल में मिला था, क्या आप ये समझा सकते हो? तो ऑब्वियसली हम समझाएंगे, वो बच्चा इतना ओबीडियंट है, वो क्लास में रोज आता है, सारा आंसर भी करता है, समझता भी है, रिस्पॉन्ड करता है, तो हम लोग ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो हमेशा और भी ज्यादा रेडी है। क्लियर है सबको? प्रिंटेड मटेरियल्स भी मिलेगा, क्योंकि फोन से पढ़ना इतना आसान नहीं होता है, फोन से लैपटॉप सब जिस भी चीज डिवाइस से आ रहे हो, एक टाइम के बाद इंसान बोर हो जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आप लोग वीडियोस देखने लग जाते होगे, यूट्यूब चलाने लग जाते होगे, व्हाट्सएप खोल के बैठ जाते होगे, इसलिए हम प्रिंटेड मटेरियल्स भी देंगे, और अगर आपके पास कोई डाउट है तो पर्सनल डाउट्स भी लिए जाएंगे, तो प्लीज रेगुलर आना सब लोग। यहाँ पे कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, मैं उनको डिस्कस कर देती हूँ। जैसे सबसे पहले व्हेन विल क्लासेस स्टार्ट, तो आपकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी, आज आपका बस ओरिएंटेशन है। फिर हमारे पास हु आर द टीचर्स फॉर दिस प्रोग्राम, तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, सबके फेसेस अच्छे से याद रख लेना, उन लोगों की अच्छे से बात मारनी है, ठीक है? क्लास में टाइम पर आओ, सुन लो, रिस्पॉन्स कर दो और टेस्ट दे, इतना कर लूंगा तो काफी भला हो जाएगा आप लोगों का। स्टार्ट हो रहा है तो जून होपफुली 6 months का आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। विल यू प्रोवाइड टेस्ट सीरीज फॉर बोथ द ग्रेड्स? अभी आप लोग 10th में हो तो आप लोगों को 9th की तो सीरीज की जरूरत है ही नहीं, ठीक है? तो आप लोग के जो भी टेस्ट होंगे वीकली होंगे उनको अच्छे से देना, थोड़े से हायर लेवल के होंगे, मतलब जो आप क्लास में पढ़ रहे हो उससे थोड़े से ज्यादा, ताकि आप अगर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो तो आप उसको भी सॉल्व कर पाओ। पर अगर आपके पास टेस्ट हम दे रहे हैं, ठीक है, मान लो कि मैंने आपको सिखाया एडिशन सिखाया 2+4=6, ठीक है, मैं पेपर में दे रही हूँ 12+14 कर सकते हो वो तो? एकदम से मुश्किल कर देंगे नहीं, बस क्वेश्चन में थोड़ी सी हो सकता है वैल्यू चेंज हो, क्वेश्चन का मीनिंग जो है जिसे हमने प्रैक्टिस करवाई, हम कोशिश करेंगे क्लास में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवा सके। टाइम टेबल आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर हो चुका है, शुड आई लीव कोचिंग एंड कंटिन्यू विद अवंती फेलोज ओनली, तो ये हम लोग आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं, पर जनरली कोचिंग में आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर दिया जाएगा। अगर आपका गोल जी और नीट का है तो आई सजेस्ट कि आप दिन में 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप जैसे स्कूल की छुट्टी 3 बजे हो रही है, 5 बजे कुछ स्टूडेंट्स पहुंच पा रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि हमने 4 बजे क्लास रखी है, क्लासेस का टाइम आपकी सहूलियत आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से है,
तो आई सजेस्ट कि आप एक घंटा आराम से निकाल सकते हो दिन का क्लास के लिए. यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. तो वो आपको आप ये टेंशन मत लो कि हमारे कारण आपका बोर्ड सफर होगा. हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन सबसे पहले हमारा मेन गोल है कि बोर्ड का लेवल का हो, उसके ऊपर ही तो पॉलिश लगती है. अब सोचो अगर आपके पास यहाँ पे कोई स्मूथ सरफेस अगर आपको बनाना है तो पहले कुछ होना भी तो चाहिए जिसके ऊपर स्मूथ करोगे, है ना. हम पहले आपको इतना बनाएंगे एटलीस्ट आप बोर्ड लेवल का, फिर आप हाई स्टडीज का उसके ऊपर और कोटिंग कर देंगे ताकि आप पूरे अच्छे से तैयार हो जाओ. फिर कॉमन मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है. सबसे ज्यादा मिस्टेक मैं देखती हूँ कि एक तो स्टूडेंट्स क्लास में नहीं आते. होगा क्लास में आज नहीं आए मैम, अभी ना मन नहीं कर रहा था या कहीं गए हुए थे इसलिए नहीं आ पाए. ठीक है, अगर नहीं आ पाए हो तो आप लोग को रिकॉर्डिंग्स दी जाएगी. तो अगर आप अगली क्लास में जा रहे हो तो एटलीस्ट वो रिकॉर्डिंग देखकर, ताकि आपको ये ना हो कि अरे ये टॉपिक क्या चला रही है मैम, कल तो मैं आया नहीं था तो कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो उस दिन का समझ वैसे नहीं आया, आप एब्सेंट थे, अगले दिन का इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी. फिर क्या उसके बाद का भी आपको समझ नहीं आएगा. तो अगर आप क्लास मिस भी कर रहे हो तो आई सजेस्ट सब लोग रिकॉर्डिंग देख कर आओ, अदरवाइज क्लास में रेगुलर रहो. फिर हमारे पास अटेम्प्ट करना है टेस्ट. प्लीज प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ सब लोग टेस्ट अटेम्प्ट करना, और जो भी होमवर्क और मॉड्यूल्स दिए जाएंगे प्लीज उनको अच्छे से सॉल्व कर. नहीं हो रहे सॉल्व, प्लीज ट्राई करो. अरे मैम को बोलने तो दो यार पूरा. कोई बात नहीं, बोलने दो. बस आज जितना बोल रही हूँ ना कल भी उतना ही बोलना, जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगी तो तब अच्छा. यस मैम. टेन स्टूडेंट्स, उसमें से हो सकता है कि पेरेंट्स भी हो, कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी हैं. तो प्लीज कल भी अगर काफी सारे स्टूडेंट्स आएंगे तो प्लीज सब रिस्पॉन्स करना, ठीक है. मैं कल सबको देखना चाहती हूँ, आप सबको. क्योंकि फिर से बोर हो गए होंगे तो यहाँ पे आप लोगों के लिए फिर से गेम आ गया है. आपको यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करने हैं, 12 डिफरेंस. तो एक एक मैम बी, मैम इसमें 3 इसमें 2 है. मैम एक लाल पहाड़ विष्णु मैम जो बड़ा दो स्टोन एक में एक स्टोन. एक सेकंड वेट से वेट से वेट से वेट से मेरे को बस बी 3 है, 2 है, फ्लावर 1 में है, 1 में नहीं है, बादल 1 में है, 1 में नहीं. इसके बाद मेरे को कुछ नहीं सुना. वो जैसे कभी कभी माउंटेन एम पहाड़ में है और मैं एक तरफ हाथ पकड़ा एक तरफ नहीं पकड़ा. किस किस स्टूडेंट ने 12 डिफरेंस सुने? मैंने 12 डिफरेंस ढूंढ लिए हैं. अब मैं एक एक करके सबसे पूछती हूँ, ठीक है. 12 लोगों से पूछूंगी, सब
जिसको जिसको जो मिला वो बताना ठीक है, पर ऐसे अभी मत शुरू करना प्लीज, मैं जब बोलूंगी तभी ठीक है। मैम एक एक डिफरेंस पूछो सब। जय मैम बी एस स्माइल कर रहे हैं। कौन से वाला? बीस वाला? यस मैम बीयर स्माइल कर रहा है बड़ा वाला। अच्छा बीयर स्माइल कर रहा है बड़े वाला, तो एक हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास अंशुल मैम एक में स्टोन मैम एक बी है। बी सबके माउंटेन में, एक में माउंटेन में आइस है और एक में नहीं है। मैम एक में पेड़ की टहनी टूटी हुई है जिससे मैं नींद टूटी है। मैं अंशुल बोल रही थी, आप सारी गर्ल्स का नाम अंशुल है? नो मैम। तो नो मैम बोलूंगी ना बस वही आंसर करना ठीक है। हमारे पास एक चीज हो गया, बियर स्माइल कर रहा है नहीं कर रहा है, पत्थर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, फ्लावर है नहीं है, हमारे पास तीन भी है वहां पे दो भी है। अगला आंसर अनमोल। मैम पेड़ की टहनी, पेड़ की टहनी कटी हुई है ठीक है, फाइव हो गए हमारे पास। फिर हमारे पास रानू देवी। सोना देवी। मैम एक में दो मक्खियां तीन और एक में दो है। अच्छा आप ध्यान नहीं दे रहे हो, इसका मतलब हो तो मैंने बोल दिया। बिहेवियर है, शेक हैंड कर रहे हैं मैम। अनमोल नेक्स्ट। एक में बियर आ सकता है मैम, एक पत्थर में बियर के नीचे दो पत्थर है एक में भी है। कोई नहीं सुन रहा है ठीक है। अब मैं आपको एक काम करती हूँ, सबके सब इकट्ठे करके अपने डिफरेंसेस चैट बॉक्स पे लिखो, एक एक करके सारे ठीक है चैट बॉक्स। यस मैम। यस मैम। जिसने सबसे पहले लिखा वो विनर, 12 डिफरेंसेस होने चाहिए सारे, एक एक करके मत लिखो इकट्ठा लिखो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। हमारे पास काउंटिंग स्नो हो गया, ग्रास हो गया, सब हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंशुल 80 डिफरेंस लिखे हैं, 9 10 11 12 12 डिफरेंस है अभी तक, कोई भी विनर नहीं है, किसी ने भी 12 नहीं लिखे है। मैं बताती जाती हूँ, आप लोग देखना कोई अलग मिला तो एक में क्लाउड है नहीं है, लंच है नहीं है, एक में दो बीस है एक में तीन बीस है, एक में बी स्माइल कर रहा है एक में नहीं कर रहा है, एक में ये वाला ट्री मिसिंग है, एक में ये एक में ये हैंड एक में स्टोन एक में ग्रास बड़ी सब लोग अपने लिए क्या काफी किया है मैम, छोटी भी अच्छी अच्छी लग रहा है। हाँ बड़े हाँ जी वो मैम मेरे हमें क्या है इसके पीछे वाला मैम, एक क्लाउड छोटा एक बड़ा है, आप कौन अभी है वो
अभी यार चुप रह जाओ, मैं हमको बोलने दो। चुप हो जाओ, छोटा है। ओके ओके टाइम आप सारे रिपोर्टर्स बीच में हैं। मजा आया सब। यस मैम, यस 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 मैम। तो हम लोग खेलेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करेंगे। हो सकता है किसी दिन हम सब गेम्स खेल रहे हैं क्लास में, है ना, दमशाज खेल रहे हैं, किसी दिन हम सिंगिंग कंपटीशन कर रहे हैं, किसी दिन हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक छोटी सी क्विज रख ली है। तो इंटरेस्टिंग करेंगे हम लोग क्लासेस, बोरिंग नहीं होगी। बस टाइम पे आ जाना प्लीज। अब मेरे साथ यहाँ पे बोलो, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होगी। करने वाले करने वाले बिहार लहरों से टक्कर का पार नहीं होगा। काबू आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया फिर से, मेरे एंड बंद हो गया। नहीं खत्म हुई थी, तो मेरे एंड से आप लोगों का ओरिएंटेशन ओवर हो चुका है। अब मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ, आपको कोई डाउट हो तो प्लीज बता दो। नो मैम, कल डर लग रहा है। आई हैव क्वेश्चन मैम, कल की क्लास के लिए सब लोग इंटरेस्टेड हुए, सब लोग को डर लग रहा है। लक्षिता मैम, हाँ जी सर। आई नीड टू मिनट विद क्लास। जब आप हो जाएगा आपका ओवर, उसके बाद मुझे प्लीज दो मिनट दीजिएगा क्लास के साथ। हाँ जी सर, थैंक यू। आप स्टार्ट कर सकते हो सर। प्लीज स्टूडेंट लीव मत करो प्लीज। आई हैव क्वेश्चन मैम। हाँ जी बोलो मैम। जैसे आप इंग्लिश में करवा रहे हो, हमारे सिलेबस हिंदी में मैम, फिर प्रॉपर हिंदी मीडियम में। यस मैम, ठीक है, उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे हम लोग। फिर आपको अगर हिंदी में समझ आ रहा है तो हम हिंदी में कोशिश कर लेंगे मैम। कल की चीज की क्लास लगेगी। यस मैम, यस मैम, मैम कल चीज की क्लास होगी। कल आपके आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, टाइम टेबल में देखना पड़ेगा एक बार। यस मैम, यस मैम। हाँ जी, कल आपके साथ अगर आपका B01 बैच है तो आपकी मैथ्स की क्लास है, B02 है तो फिजिक्स क्लास है। क्लियर है मैम? मैम हमें कैसे पता लगेगा हमारा कौन सा बैच है? पता, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे ना, तो उसमें आ जाएगा, सारी डिटेल्स आएगी आपके पास। आप टेंथ पास, आप टेंथ क्लास से पहले आप क्लास से पहले। यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। अरविंद सर, यस मैम, आप लोगों के साथ एक बार ओरिएंटेशन की, तो प्लीज स्टूडेंट क्लास में ही रहे अभी। ठीक है, हाय स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, कैसा रहा आपका ओरिएंटेशन आज का? सर बहुत अच्छा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। ये थे लक्षिता मैम, ठीक है, आप लोगों को ये मैम पढ़ाएंगे, ठीक है, कल से।
तो आप लोगों ने दो तीन चीजों का ध्यान रखना है जो मैं फाइनली बोलना चाह रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं तो पहले भी मिला हूँ, ठीक है, आप लोगों को पता ही है, अब आपके ग्रुप का कोऑर्डिनेटर हूँ मैं, और कुछ भी क्लासेस में ज्वाइन करने कोई इशू आता है या कोई भी क्लास के रिगार्डिंग कोई इशू आता है आप लोगों को, आप मुझे रीच कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग जो डाटा है आपका गूगल क्रोम ब्राउजर और गूगल शीट है, गूगल मीट है सॉरी, इसको अपडेट करना है आपने टाइम टू टाइम, ताकि आपको क्लास ज्वाइनिंग में इश्यू ना आए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये गूगल क्रोम और गूगल मीट जो है अप टू डेट होना चाहिए, ताकि आप लोगों को क्लास ज्वाइनिंग में कोई इशू ना आए। ओके सर। यस सर। यस सर। तीसरी चीज मैं शेयर करना चाह रहा था वो ये है कि क्लास डेकोरम का बहुत आपने ध्यान रखना है, क्लास डेकोरम मेंटेन करना है आपने, मिसबिहेव नहीं करना है। कुछ कमेंट्स में मैं देख रहा था उस दिन भी कमेंट्स में कुछ भी आप लोग टाइप कर रहे थे, ठीक है, वो चीज नहीं करनी है। उस दिन भी जैसे कि नोटिफाई किया था एक स्टूडेंट ने, ठीक है, तो वो चीज नहीं करनी है आपने। जो मैम पूछेंगे उसका जवाब देना है, उसी चीज के लिए सिर्फ चैट बॉक्स यूज करेंगे, उसके अलावा आप एक दूसरे को हाई कर रहे हैं या कुछ भी पबजी लिख रहे हैं या कुछ भी ऐसे इस तरह के कमेंट्स नहीं करेंगे आप लोग, बिल्कुल भी नहीं, वरना आपको क्लास से किक कर दिए जी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तीसरी चीज आपने अटेंडेंस का ध्यान रखना है, अटेंडेंस आपने रोज लगानी है आपका। एक्सेप्शनल है कि बीच में आप बीमार हो जाते हैं या कुछ ऐसा है, तो एक्सेप्शनल है, उस केस में भी आप मुझे पहले व्हाट्सएप पे बता देंगे, ठीक है, कि आप मेरे को ये प्रॉब्लम है, आज मेरे ये प्रॉब्लम है और मैं आज क्लास नहीं लगा पाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज आप कोशिश कीजिए आप रेगुलर रहें क्लास में, ठीक है, कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। अगर आप अटेंडेंस प्रॉपर नहीं लगाते हैं, अगर आपका अटेंडेंस डाउन जाता है और आपका अटेंडेंस प्रॉपर नहीं होता है, तो हम आपको क्लास या ग्रुप में नहीं रख पाएंगे आपको, ठीक है, लाइव क्लासेस में नहीं रख पाएंगे। उसके बाद हाँ, आपके पास रिकॉर्डिंग का एक्सेस होगा, बट आप लाइव क्लासेस नहीं लगा पाएंगे अगर हम एक बार आपको ग्रुप से निकाल देते हैं। तो आप प्रॉपर अटेंडेंस मेंटेन कीजिए अपना, ठीक है, और रेगुलर क्लासेस लगाइए। ओके सर। और तीसरा एक और चीज है, जैसे आप कमेंट करते हैं, जैसे बोलते हैं, ठीक है, मैम कुछ पूछते हैं बोलते हैं, उसके बाद माइक ऑफ कर दीजिए ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो, एक साथ बोलते हैं उसके बाद आप माइक ऑन रखते हो और बाकी चीजें भी, मतलब घर पे आप बात कुछ कर रहे हो वो भी आपकी आवाजें आती रहती है, ठीक है, उससे क्लास डिस्टर्ब होता है। तो वो चीज आप ध्यान रखिए, आप कोई कुछ पूछा जा रहा है आप जवाब दीजिए, उसके बाद म्यूट कर दीजिए माइक को, ठीक है, ये कुछ चीज ध्यान रखना है आप। गुड लक फॉर योर एग्जाम। एक और चीज, मैं आपको जो भी मैसेज भेजता हूँ ग्रुप पे, मैसेज भेजता हूँ, उसको ध्यान से पढ़िएगा। आज भी कई बच्चे आए मेरे पास कि लिंक भेज दीजिए, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको ग्रुप पे लिंक भेज दिया था, उस मैसेज को ध्यान से पढ़िए, उसमें सब कुछ मेंशन होता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जैसे 110 बच्चे अभी जुड़े हैं, ठीक है, ग्रुप पे, तो अब एक एक बच्चे को अलग से लिंक भेजना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आप जो भी मैसेज आता है उसे ध्यान से पढ़िए, अगर आपको लगता है कुछ मिसिंग है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आपको हम कोशिश करते हैं कि उस मैसेज में सब कुछ मेंशन हो। चलिए लक्षिता मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर और कुछ बोलना चाहते हैं आप तो। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, कल प्लीज जितने स्टूडेंट्स आ जाए हैं उतने ही स्टूडेंट्स मेरे को कल भी क्लास में चाहिए और ऐसी अटेंडेंस चाहिए। यस मैम। अब मिलते हैं सबसे, नाइस टू मीट यू ऑल, आप सब लोग बहुत इंटरेस्टिंग। Thank you.